जी, मैं आपसे पहले, आप एक थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मैं एक सामाजिक विकास संगठन है जो पश्चिम चंपारण के साथ साथ अगल बगल के जिलों में काम करता है। सोशल ओके, इशू को लेके जो भी समस्याएं होती हैं उसके निराकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, और उसका अध्यक्षता करता हूं मैं। जी और हमारे संरक्षक महोदय वही विद्यानंद शुक्ल हैं, उन्हीं के संरक्षण में और बड़ी बड़ी समस्याओं का हमने निराकरण यहाँ किया है लोगों के साथ मिलके। जैसे जैसे एक छावनी ओवरब्रिज यहाँ की बहुत पुरानी समस्या रही है, हॉस्पिटल अच्छा यहाँ का जो सदर अस्पताल है उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य, वार्ड स्तर के जो जो लोगों की समस्याएं होती हैं वार्ड कमिश्नर को अपने मार्फत हम लोग उनकी समस्याओं को वहाँ पहुँचा के उसमें सुधार का कार्य, जो ब्लॉक और पुलिस थाने में जो लोग पीड़ित लोग होते हैं तो उनके साथ खड़े होकर न्याय दिलवाने का काम, ये सब लगातार 2014 से हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। अब मुझे आप बताइए, बीएन शुक्ला साहब ने आपको क्या ब्रीफ किया, और जी आप उन्होंने जस्ट ए जी मिनट, जस्ट ए मिनट, जी आप कहाँ तक समझ पाए तो हमें ये समझने का मौका मिलेगा, तो फिर मैं आपकी आगे की ब्रीफिंग थोड़ा सा ठीक ढंग से कर पाऊँ। जी क्योंकि उन्होंने क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जी ये एक ऐसा मॉडल है जो जी इस देश को बदल देगा। देश के बिल्कुल साथ जो अब तक जो भी गड़बड़ हुआ उसको ठीक करने की इसकी हिम्मत भी है, औकात भी है, स्ट्रेटेजी भी है, और सब कुछ है उसमें। जी और हम बिना खर्च के समस्त पॉलिटिकल पार्टी के समस्त नेताओं को पराजित कर पाएंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का ये सोचना है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नेता खुद हैं, और इन नेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वही गुलामों की व्यवस्था थोप के रखी है, अन्यथा हमें छोटे छोटी चीजों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए था। उनके जी इतने सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, फिर उनका समाधान के लिए आप जैसे संगठन को क्यों लड़ना पड़ता है? जी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए, जब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वो है, तो वो कहाँ गड़बड़ियाँ हैं ये तक उन तक पहुँचना चाहिए, और उसे न्यूनतम समय में उसका समाधान भी करना चाहिए। लेकिन व्यवस्था में बैठे लोग जो है, कुछ लोगों के चरण सेवक बने हुए हैं, और जो कुछ लोग हैं सो कॉल्ड राजनेता, वो जी स्वयं अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं है। ना उनकी जी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना ध्येय है, ना भारत को जी कहीं पहुंचाने का लक्ष्य है। करोड़ों जी रुपए खर्च करके ये जीतते हैं, लोगों को मूर्ख बना के जीतते हैं, और फिर जो है अगले दिन से स्वयं भ्रष्टाचार की गंगा में डूब जाते हैं, और रातों जी रात अपनी संपत्ति का विस्तार करते हैं। जी सर व्यवसाय ही करते हैं सर जो जी निहायत ही गरीब लोग थे, आज वो निहायत ही रईस हो गए हैं, जी और जिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें राजनेता बनाया है, जी ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के विश्वासघाती हैं, जी जिन्होंने इन राजनेताओं के लिए पुलिस की लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरना दिए, इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनकी पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, और इनके जो है लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक पहुंचा के उन्हें जिताया। और इतना ही नहीं, इनके लिए दरिया बिछाई, इनके लिए कुर्सियां लगाई, इनके पोस्टर लगाए, इनकी होर्डिंग लगाई, इनको महिमा मंडित किया, और जी बदले में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की इतने वर्षों की मेहनत को संज्ञान लेते हुए, उसे महत्व देते हुए, उन्हें जो है ना टिकट मिलना चाहिए, उसकी जगह टिकट जो है बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपराधियों को, और आकाओं के कुसंस्कारित नेताओं के बच्चों को दे दिया है। जी क्योंकि जो नेताओं के बच्चे हैं उनके पास ना तो शिक्षा है, ना ही वो अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, वो कुसंस्कारित बच्चे हैं, इसलिए वो एक के बाद एक कांड करते रहते हैं, और उनके पिता आका जो है ना उन्हें बचाते रहते हैं। जी और आगे चल के उनकी पूरी योजना है कि अपने जो है ना एमएलए, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहने के बाद अब अपने बच्चों को स्थापित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले तो इन्हें खुद ही मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद नहीं होना चाहिए था, और
इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी हैं, चरित्र भी अच्छा नहीं है, ये चपरासी बनने की भी औकात नहीं रखते हैं, और ये आपके जो है भाग्य विधाता बने हुए हैं, ये हमारी विडंबना का पूरा विषय है, ठीक है ना। अब आप अपनी बात रखिए जो आपको शुक्ला साहब ने कहा और समझाया। सर ऑलमोस्ट जो चीज़ें आपने कही ये हमारे अंदर भी ये पीड़ा है, और आपकी 100% बातें मतलब मुझे समझ में भी आई, और जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उन्होंने भी लगभग यही ब्रीफ किया था कि ऐसे ही एक कार्य करना है, बड़ा अच्छा उद्देश्य के साथ आप इस मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। तो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को का नाम सुना है, देखा है कुछ, देख उसमें कुछ सर सीखा? आज अभी अभी तो गूगल कर रहा था, लेकिन अभी मैं आपके बातचीत के बाद उस यूट्यूब चैनल को भी देखूंगा अभी। मैं आपको यूट्यूब चैनल दे दूंगा, तो उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी। वैसे उसमें आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको सबसे पहले वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसको देखने का भी एक तरीका मैं आपको बताऊं, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि इसको देखने का तरीका ये होता है कि सब्सक्रिप्शंस पे जाइए, तो जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं वो ऊपर दिखाई देंगे, राइट। और उस चैनल उससे जाके फिर क्राइम फ्री भारत आपको दिख जाएगा, उसमें मैं भी दिख जाऊंगा, तो उसको क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तब होगा जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं वो हो अब जब जाता आप उस चैनल पे इस माध्यम से पहुंचेंगे तो वो व्यू चैनल करके एक उसमें कमेंट लिखा रहता है, तो व्यू चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे पहुंच गए। कम्युनिटी में क्या परोसा जा रहा है, वीडियो ऑडियो क्या परोसे जा रहे हैं, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देख पाएंगे। ठीक है। अभी जो आप यूट्यूब में जो जनरल अपन देखते हैं वो यूट्यूब की एल्गोरिदम परोसती है, तो कहीं से बहुत पुराना दे देगी, कोई नया दे देगा, तो आपको सिक्वेंशली उसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा ये YouTube कैसे देखना है इसकी समझ भी थोड़ी सी और इस ये जानकारी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप इसको देख पाएंगे कि इतना पावरफुल है। वैसे तो विद्यानंद शुक्ला जी ने आपको बताया होगा कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और 2014 से डीजीपी पद पर जो है ना सुशोभित रहा हूँ, और डीजी पद पर रहते हुए ही हमने 2017 में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था कि ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम से इसे कैसे जो है ना क्राइम फ्री भारत बनाया जाएगा, जिसे 2017 से 2019 के बीच में इसका परीक्षण किया गया, और 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन अंडर माइक्रो मिशन 06 के तहत इसे ग्राह्य करके ये भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन के रूप में आज संस्थापित है। अच्छा सर। और इस नेशनल पुलिस मिशन को मैं ही हेड कर रहा हूँ, आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दिस नेशनल पुलिस मिशन। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जो राजनेता स्वयं अपराधी हैं और आपराधिक चरित्र के हैं, जो अपराधियों को ही पोषित करते हैं, जो अपराधियों को, दल बदलुओं को, बाहुबलियों को, जो आम जनता पे अत्याचार करते हैं और अपने नेताओं के कुसंस्कारित बच्चों को ही टिकट देते हैं, और अपने कार्यकर्ता जो उन्होंने वर्षों तक तपस्या की उन्हें नजरअंदाज करके उन्हें किराए का भाड़े का टट्टू समझते हैं और उनकी ढेले भर की औकात नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो ये लोग अपराध मुक्त भारत जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है उसे जमीन पे नहीं उतरने देंगे। हाँ इसलिए जो है फिर क्राइम फ्री भारत मिशन एज ए एनजीओ को फ्लोट किया गया और आई जी एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत। ठीक है सर। बाद में जो है इसे कॉन्सेप्ट जो कि पहले प्योरली पुलिस का कॉन्सेप्ट था कि जनता की बिना पुलिस थाने में जाए रिपोर्ट लिखी जाए, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर 15 दिन में चालान पेश कर दिया जाए, और क्राइम फ्री भारत के एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन, अधिकतम 30 दिन में न्याय दे दिया जाए, और फिर जो है चौथी उसकी जो स्ट्रेटेजी थी कि एक डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन इतनी जगहों से पहुंचेगी कि वो पुलिस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, राइट। उसमें क्राउड सोर्सिंग से लेके सीसीटीवी से लेके आईओटी डिवाइसेस से लेके बहुत सारे सेंसर्स और बहुत सारी चीजें रहेंगी जहाँ के इनपुट जो है
हर अपराधी के बारे में आपको 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके आधार पर आप सिस्टम ये अनुमान लगा पाएगा कि ये व्यक्ति अब अपराध करने निकलने की संभावना है और इसके साथ में कौन होगा, किस साधन से जा रहा है, किस मार्ग का उपयोग करेगा और इसके अपराध का टारगेट क्या होगा, ये सिस्टम अनुमान लगा पाएगा। और फिर स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से अपराध घटित होने के पहले उस अपराधी को गिरफ्तार कर पाएगा। बहुत बेहतर, इस प्रकार बिल्कुल जो है इन फ्यूचर भारत में अपराध करना, स्पेशली जो नॉन क्रिमिनल हैं, जो पहले से जाने पहचाने क्रिमिनल्स हैं, उनके द्वारा तो अपराध घटित करना असंभव हो जाएगा। जी हाँ नए अपराधी जी जो है वो बनेंगे नहीं, क्योंकि यदि 45 दिन में जेल जाना है तो जेल जाने के लिए तो कोई अपराधी नहीं बनना चाहेगा। बिल्कुल आज अपराधी इसलिए बनना चाहता है कि वो अपराध करता है, उसके पैसे से वो खुद ऐश करता है, अपनी फैमिली को ऐश कराता है, उसे मालूम है उसके आकाओं कि द्वारा उसको संरक्षण भी प्राप्त है सर। संरक्षण भी प्राप्त है उसे, उसको कुछ नहीं होने वाला है और आगे वो नेता बन के मंत्री अंतरी भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए जो है अभी अपराध करना एक बहुत बड़ा जो है ना अच्छा काम है। सर, हमारे बिहार स्टेट में सर इट इज ए मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डेफिनेटली सर देखिए आप एक फोन करें और आपके घर एक खोखा पहुंच जाए, ये जी तो बड़े से बड़े इंडस्ट्री में भी संभव नहीं है, है क्या? सही बात है सर। हाँ, नहीं सर यदि आपने नहीं। 5 जगह फोन कर दिया तो 5 खोखे पहुंच गए, तो हाँ इससे ज्यादा पेइंग कुछ हो सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के सर शुद्ध बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना प्रॉफिट रिस्क के? है? जी। रिस्क भी जीरो है। हाँ? तो हमारे स्टेट में सर जितने पॉलिटिशियंस हैं या जो भी आपने शुरू में ही जिक्र किया वो सारे ही आपराधिक मामलों से ही वो शोभा पाते हैं सर। और कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई छोटे स्तर का, मतलब जो आपने कहा 100% इस चीज को मैं बहुत गहराइयों से सर महसूस करता हूँ और हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन आपके मतलब इस सोच के तहत हम लोग बिल्कुल, हमें कैसे क्या करना होगा सर ये चीज बताइए, क्योंकि आपके मतलब इस चीजों को तो सर एकदम दिल से हम लोग आत्मसात करेंगे। देखिए, एक तो इसमें क्राइम फ्री भारत अब अपराध तक सीमित नहीं है। जी हाँ एज ए डीजी पहले मेरी इनिशियल सोच जो है वो अपराध से तक सीमित थी कि जी कैसे देश को अपराध मुक्त किया जाए, राइट? जी जी लेकिन अब हमारी सोच अपराध मुक्त भारत मिशन की सोच अपराध मुक्त भारत नहीं है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्म्ड भारत है। क्योंकि ठीक है हमने ये महसूस किया कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमको मूर्ख बनाया है, और सही मायने में देखा जाए तो हम आजाद हुए ही नहीं हैं। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, और वो ट्रांसफर पावर के में क्या क्या इन लोगों ने आपस में समझौते किए, वो समझौते अभी भी जनता के संज्ञान में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेहरू ने लंदन डिक्लेरेशन साइन किया 1949 में, जी जिसमें ये लिखा गया कि भारत जो है क्राउन की मातहती स्वीकार करता है। बिल्कुल तो ये एक शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है देश के साथ के नहीं है। बिल्कुल सर देश के प्रधानमंत्री को बिना कैबिनेट बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस बहस तरीके का के डिक्लेरेशन साइन करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल और नहीं यदि साइन कर भी दिया तो उसके बाद आके जो है ना कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि मैंने जी दूसरे देश की मातहती स्वीकार कर ली है। जी और ये तो जो है ना चीज निकल के अभी सामने आई है कुछ एक आध दो वीक पहले, ऐसे जी मालूम नहीं कितने क्या क्या समझौते होंगे जो ना जी आपके संज्ञान में है और ना ही हमारे संज्ञान में है। जी तो ये जो स्थानांतर ऑफ पावर हुआ है, ये हाँ हाँ सोची समझी षड्यंत्र पूर्वक स्थिति में ये साजिश राजशाही के तहत, फैसला सर एक तरीके से हुआ। साजिश के तहत हुआ, और उस साजिश के तहत आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई थी, वो नियम कानून और व्यवस्था आपके ऊपर यथावत थोप दी गई, ठीक है सर और उसको और ज्यादा जो है अवधान दे दिया गया है। तो एक सीआरपीसी में सेक्शन 197 है जो कहता है कि जब तक जो है सरकार अनुमति नहीं देगी, इन लाट साहबों के द्वारा कोई अपराध घटित होता है और वो अपराध पुलिस सिद्ध भी पाती है,
तो भी कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक सरकार अनुमति ना दे। बताएगा सर, देखो मतलब अपंग बनाने का ही ये सिस्टम लज्जा, चाहिए। नहीं, ये लज्जा का विषय है, ये लज्जा है, ये एकदम लज्जा का विषय है। और ये बहुत ही मेरे ख्याल से तो बहुत न्यायपालिका ही भी सर स्वतंत्र आपका, नहीं सर, पार्डन मी, न्यायपालिका भी सर स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका तो कई मामले में स्वतंत्र नहीं है। जैसे जो वर्सिप प्लेसिस एक्ट है, जी मैं इसे सबसे घृणित कानून मानता हूं। अच्छा हाँ, उसका जानते कारण क्या है? जी, बताया जा सर। इसने तीन जो है एक सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रहा होगा उसी धर्म के लिए उपयोग में किया जाएगा। दूसरा जो है ना, उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जितने भी विवाद किसी भी न्यायालय में संधारित चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उन्हें इसी मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत बंद कर दिया जाए। और फिर तीसरे सिद्धांत के तहत सेक्शन 4 में न्यायालय के ऊपर बंदिश लगाई कि आपको जो है ना, भविष्य में कोई यदि इस तरीके के प्रकरण लेके आपके पास आता है तो आपको संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। बताएं कोर्ट आर वेंड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। बताएं तो मैं जो है इसको जरा डिफरेंटली रीड करता हूं। मैं, मेरी अपनी एनालिसिस है वो अलग है थोड़ी सी। बिल्कुल आम बिल्कुल। आदमी शायद उस तरीके के, नहीं नहीं स्वाभाविक है सर, आपके देखने का नजरिया हमारे देखने के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर होना ही है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट से रहे हैं सर, आपने इस चीजों को करीब से महसूस किया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक किया। मैं ये महसूस करता हूं कि बाहर से आतताई और आक्रमणकारी आए और उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस समय हमारी जो भी परिस्थितियां रही हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ी मात्रा में हत्याएं की, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें दो दो दीनारों में ना केवल बेचा बल्कि इस मकसद के स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है। और फिर उन्होंने इसको एक ट्रेडिशन बना लिया कि अपनी क्रूर पावर को दिखाने के लिए मंदिर जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, उनको नष्ट करना, उनको तहस नहस करना, उस मंदिरों की सुंदरता और उनकी मूर्ति और देवी देवताओं को खंडित करके उसे विरूपित करना और उसको जो है ना मस्जिदों में और उसमें कन्वर्ट कर देना, एक विभत्स क्रूड पावर के प्रदर्शन का तरीका बनाया जो कि एक ट्रेडिशन बन गया। मतलब जो कुछ भी, जो कोई भी आया उसने यही किया। जी, ये किया ही। मतलब एक ट्रेडिशन सा बना दिया उसमें, मतलब क्रूड पावर को दर्शाने का तरीका और आपको ये कराने के कि तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग बिफोर मी। तो मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को कुरूपित करना, मूर्तियों को तोड़ना, मूर्तियों को कुरूपित करना, आपके भगवान को और आपको दोनों को ही जो है कि आप मीनिंगलेस हैं, आप तुच्छ हैं, आप महत्वहीन हैं, आप में कुछ नहीं है, ये दर्शाने के लिए किया गया। और भारत माता के चेहरे पर इन आतताइयों ने इस कुरूपण के माध्यम से जो जख्म दिए, इस कानून ने ये कहा कि हे भारत माता और भारत माता के कपूत सपूतों, तेरी भारत माता इन दुष्ट और जो कुरूपित जो चिन्ह है इन्हीं चिन्हों के साथ जिए, तुम इसी तरह लायक हो। अदरवाइज आप बताइए, 15 अगस्त 1947 के पहले सभी आतताई आक्रमणकारी आ चुके थे ना, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने उसको उसी स्वरूप में छोड़ा होगा ना जिस स्वरूप में जो है ना वो उन्होंने कुरूपित किया है। तो उसको उस स्वरूप में ही क्यों स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, जो ये उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उसको वो स्वीकार करना भी संभव नहीं सर। लेकिन हाँ नहीं, लेकिन आपको तो कानून बना दिया ना ये तो, जी, इसीलिए और तो सर आपने हमारे शुरू में माननीय ही कहा कि ये नरेंद्र, लज्जा का विषय है हमारे हाँ, लिए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो 56 इंच के सीना के व्यक्ति हैं, वो मालूम नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे नोच के खा जाएंगे, मुझे जीने नहीं देंगे, और वो इतने डरे हुए प्राणी हैं कि वो
वर्सिप प्लेसेस एक्ट 1991 को ध्वस्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि उन्हें फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे ये काम करना चाहिए था। बिल्कुल और बिल्कुल यदि मैं उनकी जगह होता तो मैं एक कदम और आगे जाता। मैं जो है ना हर ऐसी जगह के लिए एक कमीशन नियुक्त करता कि तुम इसको जो है ना इसकी वास्तविकताओं के सबूत पेश करो और ऐसी सभी जगहों को उनकी ग्लोरी में रिस्टोर किया जाए। बिल्कुल 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 और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता कि इन आतताइयों के कारण तो इन्होंने भी आपका वही धर्म परिवर्तन के लिए आपको मजबूर किया है। बिल्कुल अब बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू बन जाओ, आपको जहां पर भी मोक्ष मिलता है वो आप काम करो। आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है वो आपको इसकी स्वतंत्रता भी देता है, और हमारी भी इच्छा है कि जिस व्यक्ति को जहां पर भी जिस धर्म से भी लगे कि उसे मोक्ष मिल जाएगा, उसका कल्याण होगा, वो उसको बिल्कुल धर्म को मानने के लिए भी स्वतंत्र है और उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र। तो बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना धर्म परिवर्तित कर लो। यदि आपको लगे कि कुछ उसमें गड़बड़ थी, उस समय तलवार की नोक पे आपको ऐसा करना पड़ा, आज यदि आप महसूस करते हैं कि आप जो है ना कोई बेटर चीज आपके लिए अवेलेबल है जिससे आपका कल्याण हो सकता है, तो उस बेटर चीज पे जाइए। आपको यदि लगता है कि बुद्धिज्म अच्छी है तो बुद्धिज्म पे जाइए, यदि आपको लगता है कि है तो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी अच्छी है तो क्रिश्चियनिटी में जाइए, इस्लाम अच्छा लगे तो बिल्कुल इस्लाम में जाइए, हिंदुत्व अच्छा लगे तो हिंदुत्व में जाइए, अपना कल्याण करिए। दैट इज द पॉइंट, राइट। जी, बिल्कुल तो मुझे अपने मुस्लिम भाइयों से ये जरूर कहना है और जोर से कहना है कि उन आतताई और आक्रमणकारियों से आपका कोई खून का संबंध नहीं है, नहीं उन्होंने आपको भी मजबूर किया। कम से कम ऐसे आतताइयों से तो अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए। सही बात है, आपका बाबर और औरंगजेब से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है उसको जोर से मानिए, बिल्कुल लेकिन बाबर और औरंगाबाद की जो करतूतें हैं, जो बिल्कुल उन्होंने गड़बड़ियां की और मकारियां की, उससे आप क्यों अपने आप को पहचानोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो सेलिब्रिटीज बात हैं जैसे करीना कपूर का तैमूर नाम रखना सर, हाँ, इसकी अपने आप में एक शर्म की बात है। आप जो अपने देश को जिन्होंने बर्बाद किया उनका आप नामकरण कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है सर? बेसिकली ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि जिन्होंने जी आपकी ऐसी कम तैसी की, हे जी भारत माता के कपूत सपूतों, तुम अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए ही पैदा हुए हो जी 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 और तुम इसे झेलो, और जिन दुष्ट नेताओं को तुम चयनित करते हो जी वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए अपने चंद्र, क्योंकि वो तो खुद जो है ना ना उनके पास चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि दो दो चार चार बार छह छह बार से वो आपके मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं। ये जी दुर्भाग्य का विषय है। जी उनमें से अधिकांश लोग तो चपरासी बनने की औकात नहीं रखते। बिल्कुल सर तो अब जो जो चपरासी बनने की औकात ना रखता हो और वो मंत्री बन जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो वो ऐसी लाभ को छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर यही कारण है कि अच्छे लोगों को ना टिकट दिया जाता है, और अच्छे लोग उस गंदगी को बर्दाश्त, उसकी दुर्गंध को बर्दाश्त करने की स्थिति में भी नहीं है, और जो जी उसमें पहुंच जाएंगे वो भी उसी गंदी नाली के बदबूदार उसमें व्यक्तित्व में समा जाएंगे, बिल्कुल उनका बिल्कुल अच्छा और खुशबूदार व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। जी, यही होता आया है, यही हो रहा है तो अब मुझे एक ही विकल्प समझ में आ रहा है, जी 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पे उतारने के, जिसमें है कि अंग्रेजों के नियम कानून को बदल दिया जाएगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अपनी डिसीजन के लिए अकाउंटेबल होगी, लॉर्ड नहीं होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी और अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाती है तो उसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। जी ठीक मतलब आज तो जो है ना वो लाट साहब हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। यदि आप 25 साल 20 25 30 साल बाद अपने जूतियों के रगड़ के यदि कहीं से आपको न्याय मिल भी जाता है, तो जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? कि पड़ता है, नहीं, तो उनकी सेहत पे फर्क पड़ना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल यदि पढ़ना उन्हें चाहिए, आपको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का
तरीका होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं कंपनसेशन का तो प्रावधान करना पड़ेगा ना, आप तो प्रावधान ही नहीं है, जी, आप तो वो सोवरेन पावर है, आप तो लॉर्ड साहब है। तो इसी प्रकार जो है आगे जो आपकी शिक्षा प्रणाली है जी उसको बदला जाएगा, भारत को कर मुक्त बनाया जाएगा, भारत के जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 को बदल के पार्टी विहीन प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें चुनाव जो है ऐप के माध्यम से होगा, जो खर्च विहीन चुनाव होगा, जहां खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा। जी 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 बिल्कुल। जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के हिस्सा नहीं रहेंगे, जी, वो लेजिस्लेचर से चुने जाएंगे लेकिन चुनते ही वो लेजिस्लेचर से अलग हो जाएंगे, वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएंगे लेकिन वो किसी एक्ट को पारित करने की उनकी क्षमता नहीं होगी, वो एक्ट ड्राफ्ट पेश कर सकते हैं, डिबेट करके लेजिस्लेचर पारित करेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव को वोटिंग राइट भी नहीं होगा। मतलब आप इतनी अच्छी बात लेके जाइए कि लेजिस्लेचर उसे मान्य करें, राइट, आपको वोटिंग राइट नहीं है उसमें, जी जी राइट, आप अपनी स्ट्रेंथ पर उसे कानून नहीं बना सकते, ठीक है। और जो है जो मंत्री होंगे वो मंत्री अपनी जो है ना विशेषता के आधार पर मंत्री बनेंगे आगे चल के, और वो प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की मेहरबानी पे अपना पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और अब जो है ना ये सोचें आप कि यदि सभी लोग इतने इंडिपेंडेंट होंगे तो बेचारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है ना वो कैसे उन पर जो है ना वो कब्जा करेगा, तो उसे करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं होगी। उसे क्या करना है कि वो उस बारे में जो आदेश जारी करेगा, जो चीज उससे कॉन्ट्राडिक्शन में होगी, दैट टू दैट एक्सटेंड इट विल बिकम नल एंड वॉइड। तो जो आपके मंत्री हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके आदेश से कंसिस्टेंट कार्रवाई ही करें, क्योंकि अदरवाइज भी जैसे संविधान में व्यवस्था की है कि यदि केंद्र सरकार का कोई आदेश होता है और राज्य सरकार का आदेश है और वो यदि कॉन्करेंट लिस्ट से है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन लेजिस्लेशन और एक्शन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर दैट विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, राइट। तो मतलब ये बारीकियों की बात करें, इतनी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है चर्चा में। और इस तरीके से कर मुक्त भारत होगा, एक पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा जहां किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, जहां कोई दिवालिया नहीं होगा, और आगे चल के तो यहां कोई गरीब नहीं होगा। किसान की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है, क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल है, जो कह रहा है कि देश निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। तो अपने विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से 21 ऑब्जेक्टिव जो है वो जमीन पे उतारे जाएंगे, और यदि उस लिस्ट को आप पढ़िए, वो 21 ऑब्जेक्टिव जब जमीन पे उतरेंगे तो ये भारत बदल जाएगा। ये भारत जो है ना केवल विश्व का सबसे निरोगी दीर्घायु और समृद्ध देश होगा, बल्कि ये विश्व गुरु भी होगा। जी, इट विल बिकम द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली, मतलब ये बड़ी क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आपको टैक्सेशन से भी मुक्त कर दे रहे हैं, राइट। तो जब आप कर मुक्त होंगे तो महंगाई वहंगाई भी काफी कुछ नीचे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, राइट। तो इस प्रकार से एक नया भारत जन्म लेगा, जो इन राजनेताओं के रहते होना संभव नहीं है। जी जी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त हर बार कह रहे हैं कि हे दुष्ट राजनेताओं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारे समूल नष्ट होने का समय आ गया है, अब जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। जी जी जी। सभी राजनीतिक पार्टियों, और ये निश्चल बाबू ये बहुत आसान है। जी जी। इसके 3 मंत्र हैं या 3 पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। पहला पिलर है ऊर्जाकृत करना, और ऊर्जाकृत करने का जो पिलर है वो थोड़ा सा आगे है। जी। थोड़ा सा आगे का मतलब अवेयरनेस से आगे की स्थिति है।
जब आप अवेयरनेस से करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, आपका डिटर्मिनेशन जो है उसमें परिवर्तन लाने में के बदलाव का हिस्सा बन जाता है, तो उसको ऊर्जाकृत करना कहते हैं, राइट। तो जी अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, क्योंकि ये आप में वो डिटर्मिनेशन पैदा करेगा कि बदलाव आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपकी बातें मेरे साथ बैठे 3-4 और हमारे मित्र, हमारे हाँ पति के ही, सबने सुनी अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड है। वेरी हाँ, गुड। तो और उनकी प्रतिक्रिया क्या है अब तक, मैं बिल्कुल, अभी आपसे उनको बातचीत के बाद मतलब सभी लोगों ने शांत भाव से सुना है, तो मतलब उनको पसंद आया, और तो स्वाभाविक है, इसमें पसंद नापसंद वाली कोई बात ही नहीं है। आपने वैसी चीजों का जिक्र किया जो इंसान मतलब वाकई चाहता है, हो नहीं पाता, ये वाकई में एक सपना है ना, अगर ये वाकई धरातल पे उतर जाता है तो भारत से ज्यादा समृद्ध इसमें और शक्तिशाली देश कोई नहीं हो इसमें सकता। यदि हम अपने छोटे से 9 दिन के व्रत को पूरा कर ले, तो जी इसे जमीन पे ना उतरना संभव ही नहीं है। जी जी और इतने बड़े बदलाव के लिए यदि हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऊपर लानत है। जी फिर हम जो है अपने आप को अच्छा कहने के, देशभक्त कहने के लिए, राष्ट्रीय सोच रखने वाला कहने का हमें कोई हक नहीं हाँ, है। बेईमानी होगी हम सर, भी उतने ही पापी हैं जितने ये राष्ट्र के बिल्कुल बिल्कुल राजनेता हैं। बिल्कुल जी, ये बात तो सर, और इसी वो कहता हूँ, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो सर दोषी हम भी हैं, और हम प्रयास भी तो सर नहीं कर पा रहे थे। एक नया नया क्या सर, मतलब एक ऊर्जावान सर आपसे मुलाकात और बातचीत हुई सर, एक बेहतर विकल्प के तौर पे काम करें हम लोग आपके सानिध्य में, एक बेहतर अभी राष्ट्र मैं 2 मिनट में निर्माण। आपको मुख्य चीजें समझा दूं, जिससे कि आप जब वीडियो देखेंगे तो वो आपके दिमाग में घुसते जाएंगे, ठीक है ना। जी बोला जाए सर, क्योंकि आप यदि मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम वो मुख्य चीजों की जानकारी यदि मेरे मुखारविंद से ही मिल जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जी फिर इसका दूसरा है संकल्प, जी और वो संकल्प बहुत छोटा है कि मैं अपने ही लोगों को जोड़कर प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ूंगा, और ये संकल्प मात्र 9 दिन का है। और जी फिर इस संकल्प को हमने तोड़ के 5 और संकल्प में बना दिया है, लेकिन मूल संकल्प यदि ये बड़ा संकल्प माने तो यही है कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन तक जोड़ेंगे। फिर इसमें एक शपथ है। शपथ का पहला हिस्सा है, वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश में बदलाव लाने के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, मैं स्वयं जो है ना व्यवस्था के बदलने का आधार बनूंगा, ठीक है ना। जी फिर जो है इस शपथ का दूसरा हिस्सा है जो कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा और अपने ऊर्जा के स्तर को नीचे नहीं गिरने दूंगा, उसे उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जी ये हो गया है शपथ का दूसरा हिस्सा। जी और फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को, नहीं मैं बाहरी लोगों पर नहीं जा रहा हूं, पब्लिक में जाके जो है ना भाषण नहीं देना है, हमें अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथ कृत करना है, और फिर शपथ कृत करके जोड़ना है, और फिर 7 दिनों का विधान है कि क्या जोड़ना है आपको, ठीक है ना। जी जी तो आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं। तो सोमवार का शपथ है कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। मंगलवार का शपथ है कि मैं अपने मित्रों, दोस्तों, पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा। फिर बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। फिर गुरुवार की शपथ है कि जो ढेर सारे सर्कल से हम जुड़े हुए हैं, पैदा होने से लेके, शिक्षा प्राप्त करने से लेके, व्यवसाय करने से लेके, किसी प्रोफेशन का हिस्सा होने से, जी समाज का हिस्सा होने से, जितने भी सर्कल से हम जुड़े हुए हैं, उन सर्कल के जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ कृत कर जोड़ूंगा। ये गुरुवार का संकल्प है। फिर शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवा व विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। अब आप अंतःविधा से बाह्यविधा की तरफ चले गए। आप अभी तक जो है आप अंतःविधा में थे, जो आपके क्लोज नेटवर्क में लोग थे, आप उन्हीं से बात कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हमने बेसिकली 5 अंतःविधाएं और 16 बाह्यविधाएं हैं, यदि आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो वो आपको दिख जाएंगी। तो अब हम जो है बचे हुए 3 दिनों में बाह्यविधाओं की बात कर रहे हैं, और इसमें सोच ये है कि जो अंतःविधा पहले पूरी हो जाए, जैसे आपने परिवार के लोगों को जोड़ा, तो परिवार के लोग तो एक दिन में भी जुड़ सकते हैं, तो अगले सोमवार को क्या करोगे फिर आप। तो बाह्यविधा में जो 16 विधाएं हैं,
जो विधा आपको अपने रुचि की लगती है उसे आप उसको सोमवार में डाल दीजिए। जैसे आपके मित्र रिश्ते और पड़ोसी जो हैं वो सीमित हैं, अब उनके उनको खत्म हो गया आपके सूची के हिसाब से वो, राइट, तो उनकी जगह पे फिर आप एक बाह्य विधा से, एक जो भी आपको अच्छी लग रही है बाह्य विधा, उस विधा से ले सकते हैं। कोई किसानों को लेगा, कोई मजदूरों को लेगा, कोई जो है सरपंचों को लेगा, कोई कोई जो है पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को लेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं एक शोषित वर्ग मानता हूँ, एक्सप्लाइटेड लॉट मानता हूँ, तो उनको भी एहसास दिला के वो अपने पार्टी का हिस्सा बना रहे, राइट, वो साथ में मिशन को से भी जुड़ जाएं, और मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बात समझ के रखना है। जी जी, क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इससे मिशन ये बारीकी को समझना है। लिहाजा हर पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी का उसी संस्था से कार्यकर्ता बने भी रहे, फिर भी मिशन का हिस्सा बन सकता है, और मिशन के शपथ लेके चंद्रगुप्त बन सकता है, और जैसे ही ये चंद्रगुप्त बनेगा, क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो उसको सांसद का टिकट किसी पार्टी से ऑलरेडी टाई अप कर लिया गया है उसका, वो उसके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, मतलब आपको पार्टी का टिकट मिलेगा, लेकिन वो पार्टी का टिकट जो है एक पॉलिटिकल पार्टी देगी जिसका क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ टाई अप हो गया है, वो क्राइम फ्री भारत के मिशन के अध्यक्ष के आदेश पर केवल जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएगा उसी को टिकट देगा। ठीक ठीक, क्लियर जी जी। तो इसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, और एक चीज ये समझना पड़ेगी कि राजनेताओं को हराने के लिए आपको पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 के जो भी प्रावधान हैं उन सबको पूरा करके ही इन्हें हराना होगा। आपको वर्तमान कानून के तहत इन्हें हराना होगा, बाद में जो आप कानूनों में बदलाव लाएंगे, आगे के चुनाव उस बदले हुए कानून से होंगे, लेकिन 2024 का चुनाव आपको इसी कानून के तहत लड़ना होगा। ठीक है, ठीक है ना जी। तो जो बाह्य विधाएं हैं उसमें शुक्रवार है कि युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ना है, शनिवार का है बुजुर्ग नागरिकों को जोड़ना है, और रविवार का है सामाजिक संगठनों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या ये सातों दिन की बात समझ में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात समझ में आ गई है कि जो जो पूरा होता जाए तो बाह्य विधाओं में से जो विधा आपको सुकून दे रही है उसको आप यहाँ अडॉप्ट कर लिए। ठीक है। अब इसमें जो है चंद्रगुप्ती व्यवस्था भी अभी जोड़ी गई है एक सप्ताह पहले, क्योंकि इसमें डायनामिकली सोचा जाता रहता है कि ये करने से मिशन को फायदा मिलेगा, तो उसमें वो चीज जोड़ी जाती है। तो एक चंद्रगुप्ती शपथ अलग से हमने अभी डिजाइन की है, लेकिन हम चंद्रगुप्ती शपथ पे जाने के पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जीतेंगे कैसे। तो इसमें एक चीज तो आपको समझ में अब तक आ गई होगी कि जैसे आप ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं, अभी तक आप लोग जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े हैं? नहीं, अब इसके बाद आपकी बातचीत के बाद यही कार्य करना। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी, उसको आप सबसे शेयर कर लीजिए और आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना जी। आगे जब आप लोगों को जोड़े तो वो ऐप से अपनी लिंक के माध्यम से जोड़ना, क्योंकि तभी आप चंद्रगुप्त बन पाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप ऐप से जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और उसमें तीन और ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि व्हाट्सएप पे शेयर करिए, दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक, और तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन एनी मीडिया, राइट। तो आप टेलीग्राम से लेके जूम से लेके जहां जहां भी आप शेयर करना चाहते हो आप शेयर कर सकते हैं। कितनी बात समझ में आ गई है? जी जी जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो अपने प्रोफाइल के माध्यम से जोड़ेंगे जी जी, नहीं तो वो पॉइंट आपको ना मिलके यदि आप किसी दूसरे की जो है ना लिंक को शेयर करेंगे तो वो पॉइंट उसको मिलेंगे जी। ये बारीकी से बात समझना जरा जरूरी है जी। इतना समझ लिया क्या? जी जी ऑलमोस्ट। अच्छा, अब इसमें यदि आप प्रोफाइल से एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे जी। यदि आप तीन व्यक्तियों को जोड़ेंगे
तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। जी यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे और तो आप ब्लॉक अधिकारी बनेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बनेंगे, 50 को जोड़ेंगे तो आप स्टेट अधिकारी बन जाएंगे, और 100 को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। जी और प्रतिदिन जो सबसे अधिक व्यक्तियों को जोड़ता है, ऐसे व्यक्ति को हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। ऐप की ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो वो प्रतिदिन नंबर 1, 2, 3 से लेके कितने किसी को कितने नंबर उस दिन मिले हैं, सभी सदस्यों को वो नंबरों को दिखाता है। जी यदि आप उसको वीकली वाले जो है ना टैग पे चले जाएंगे तो वो वीक में क्या हुआ है वो बताएगा, और यदि फिर मंथली वाले टैब में जाएंगे तो मंथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड और बाकी लोगों ने कितना किया है तो वो उस महीने का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। और फिर इसके बाद ऑल द टाइम, मतलब कोई कभी भी जुड़ा हो, आज के दिन जो है उसकी क्या स्थिति है, उसने कितने लोगों को जोड़ा है, ये वहां पर उसको देखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका है, और आप इसमें बिना किसी के सामने हाथ फैलाए आप जो है अधिकारी भी बन रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि साहब अधिकारी बनने से फायदा क्या है, इन अधिकारियों को क्या जो है अधिकार प्राप्त हैं, तो जैसे नेशनल अधिकारी मॉडरेटर बन जाता है, राइट, राष्ट्रीय अधिकारियों के जो है ना ग्रुप बन के उनको मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है कि वो जो है ना आगे चल के अपने आप को चंद्रगुप्त बनाए। तो इसके बेसिकली दो मकसद हैं, एक मकसद है मोटिवेट करना और दूसरा मकसद है कि आपको ये एहसास दिलाना कि आप अपना काम पे फोकस करिए, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आपको अपना हक ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आपको किसी से नहीं कहना है कि मैंने एक व्यक्ति को जोड़ दिया तो आप मुझे मोहल्ला अधिकारी बना दीजिए, सिस्टम आपको तत्काल वो अपने आप करेगा, राइट। यदि जिसको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, यदि वो बाई चांस यदि नहीं देख पाता है, नहीं कर पाता है, तो स्मरण कराया जा सकता है, लेकिन 99% अभी तक किसी को स्मरण कराने की जरूरत पड़ी नहीं है। तो जिसको जो जिम्मेवारी दी गई है वो अच्छे ढंग से कर रहा है। शुरू में एक आध 2 वीक वो जिम्मेवारी मैंने खुद भी निभाई थी, लेकिन अब वो जिम्मेवारी डेलीगेट कर दी गई है, ठीक है। तो ठीक ये इसका मकसद है, ठीक है ना। और जब है आप ठीक। ऐप नेशनल, को जो हमारे संरक्षक महोदय हैं वो भेजे हैं तो सेम ही चीज है कि ये अलग अलग है ये। नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है, आप उसी से जुड़िए क्योंकि उन्होंने भेजी है और उनका ही वो बनता है, ठीक है ना। तो आप उसी को सबसे शेयर कर लीजिए और उसको उससे जुड़ जाइए आप, और फिर आगे जब आप जिनको जोड़ें वो फिर आप अपनी आईडी से जोड़िएगा, ठीक ठीक है है ना। सर, कभी आवश्यकता होगी तो दोबारा कॉल किया जा सकता है आपको। हाँ, जोर से। अभी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग का अपना हिस्सा भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं समझता हूं कि वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे और कितनी आसानी से 100 करोड़ होंगे, क्योंकि जब आप 100 करोड़ सदस्य होंगे तो उन्हें इसमें चुनाव प्रचार की व्यवस्था नहीं, तो पहली व्यवस्था तो ये है कि जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तो आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी, राइट। और जब जो ना चुनाव, पहला चुनाव घोषित होगा 2024 का, तो उस दिन नोटिफिकेशन के आधार पर जो ऊपर के 543 लोग हैं वो चंद्रगुप्त माने जाएंगे, राइट। और जब जो है ना संसदीय चुनाव हो जाएगा, इसके बाद जो है राज्यों के चुनाव आएंगे, तो इसी सूची से जो है फिर विधायकी चंद्रगुप्त निकलेंगे, और उसके बाद जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चंद्रगुप्त भी इसी सूची से निकल के आगे आएंगे, राइट। तो एकाग्रता के साथ जो है लोगों को जोड़ना और चंद्रगुप्त की शपथ को लेने की कार्रवाई करना है। तो मैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त की शपथ भी आपको समझा दूं इसमें। सर ये कहीं रिटर्न में भी है क्या? सर हाँ, ये रिटर्न में आप जाएंगे जब ऐप ये से मुझे अगर जुड़ेंगे। व्हाट्सअप कर देंगे तो नहीं 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 मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। नहीं 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 आप जो यदि मैं समझाऊंगा तो समझने वाला एंगल रहेगा ना डॉक्यूमेंट में। तो आपको जब आप ऐप में जाएंगे तो ऐप में जो है ना ये चीजें हर दिन पोस्ट होती रहती हैं, राइट, हर 2-3 दिन में जो है ना इसको रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज आपको वहाँ ऐप में एडम पोस्ट में मिलेंगी चीजें, ठीक दरअसल है मुझे ना। 45 मिनट लगता मैं घर पहुंच जाता। चलिए ठीक है, तो इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद का कंटिन्यू वहां कर लेंगे सर। मैं निश्चल जी मैं ये चाहूंगा कि जी चंद्रगुप्त की शपथ लेके देखो, एक तो होगा कि आप एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त बन जाएंगे। अभी हमने जो नई व्यवस्था निकाली है कि यदि कोई
चंद्रगुप्त बन के विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो वो आज शपथ लेना, जी, आज शपथ। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक एक जो है ना संसद की एक व्यक्ति शपथ लेगा, 500 व्यक्ति शपथ ले सकते हैं। चंद्रगुप्त जो बनेगा उसको मिलेगा वो टिकट, लेकिन शपथ तो देखिए प्रयास तो सभी लोग कर सकते हैं ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, बिल्कुल। शपथ का मतलब है कि जैसे मान लो अज्यूम करिए कि आप जिस विधान सांसद क्षेत्र से हैं, आपने शपथ ली कि मैं यहाँ का चंद्रगुप्त बनू, राइट। अब आप जैसी शपथ 500 और लोगों ने उसी जो है ना संसदीय क्षेत्र की लेके रखी है, ठीक है ना, और सभी लोग लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट। तो जो 543 में ऊपर पहुंचेगा वो चंद्रगुप्त माना जाएगा। और ये शपथ भी इसलिए दी जा रही है जिससे कि आप जो है ना मेहनत करें, संगोष्ठी करें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि इसमें जो है किसी की सिफारिश नहीं है। मैथिली शरण गुप्त आपको समझा सकते हैं कि ऐसे आप चंद्रगुप्त बनेंगे। सर समझ में आई आपकी बातें, ये सारी चीजें सर मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी हो गए आपके चैनल पे। आप हमारे वीडियो में जब हम लोगों को समझा रहे हैं, ले लेता हूँ ये हमारे संरक्षक महोदय से। हाँ इसको मैं नहीं, इसमें आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को मैं अपनी लिंक फिर भी भेज देता हूँ आपको, ठीक है ना, तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके थैंक यू जी, फिर सर बातचीत। जी जी नमस्कार।